हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। नाउ टुडे वी डिस्कस द न्यूमेरिकल्स अबाउट द कंडक्टिविटी। दीज आर टू न्यूमेरिकल्स। दैट इज फर्स्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। क्लियर? आपको रेजिस्टेंस गिवन है एक कंडक्टिविटी सेल का, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 KCl। व्हाट इज द सेल कॉन्स्टेंट? इसका सेल कांस्टेंट क्या होगा? इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 KCl सॉल्यूशन 8 298 केल्विन इज 0.146 × 10⁻³ सीमोल सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? सबसे पहला अपना जो वर्क होता है गिवन न्यूमेरिकल में, आपको आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या गिवन है, क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर वन का जो सॉल्यूशन है उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, गिवन क्वांटिटी क्या है अपने पास में, तो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल। तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है, आपका आर गिवन है, आर इक्वल टू है अपने पास में 1500 ओम, या आप साइन ले सकते हो ओम का। व्हाट इज द सेल कॉन्स्टेंट? अपने पास में सेल कॉन्स्टेंट को अपन ने किससे लिखा था, एक्स से लिखा था। तो एक्स आपको करना है, फाइंड आउट करना है। इफ द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब यहाँ किससे है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट मीन्स कप्पा। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपका एक कप्पा गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0.146 × 10⁻³ सीमोल सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज क्लियर? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ पर आपका एक्स फाइंड आउट करना है। वी नो दैट, आपको रिलेशन ध्यान होगा, वी नो दैट कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। ये रिलेशन अपने पास आया था, वी नो डेट सी इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1/r। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एक्स। एक्स क्या है अपने पास में, सेल कॉन्स्टेंट। क्या लिख सकते हैं अपन, सेल कॉन्स्टेंट। दैट गिवन है, वैसे किसी को होता है आपका L/A। मल्टीप्लाई कर दो, कप्पा की वैल्यू गिवन है 0.146 × 10⁻³ इंटू 1500, राइट। अगर इसको अपन कैंसिल आउट न्यूट रखोगे तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल आउट हो जाएगी और एक्स क्यूब आपके सेंटीमीटर इनवर्स पे अपन को ऑब्टेन होगी। तो आपका जो एक्स है वो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आएगा देखिए, ये 15 से 0009 और 21, ठीक है। और ये अपना खत्म, तो अपने पास लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू हो गया 219 × 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर। इट इज क्लियर? तो सिंपली अपने पास जो फॉर्मूला यूज आया कौन सा आया, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, सी इज द कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू 1/r। एक्स आपको फाइंड आउट करना है, कप्पा गिवन है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ कंसंट्रेशन गिवन है, बिकॉज कंडक्टिविटी सेल ऑल्सो कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट विच हैव कंसंट्रेशन इज 0.011 m। तो गिवन है बट उसका यूज नहीं है, क्योंकि अपन से जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी की है, सेल कॉन्स्टेंट की। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार एक कंसंट्रेशन गिवन होती है बट उसका यूज न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं होता है, और जहां पे गिवन होती है वहां पे यूज भी आती है आपकी, कब,
जब तक आपको मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं करवाए, जैसा आपने सेकंड न्यूमेरिकल में देखे। क्लियर हो गया सबका? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, आपका आंसर क्लियरली आ गया, x इक्वल टू 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर बेटा? आगे चलिए, सेकंड न्यूमेरिकल देखिए आप, रीड कीजिए इसको। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 mH2O4 सॉल्यूशन हूज कंडक्टिविटी इज 26×10⁻²⁰ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर टू है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर टू के लिए आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, गिवन वैल्यू देखेंगे। गिवन वैल्यू क्या है, सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन, तो अपने पास में कंसंट्रेशन गिवन है 1 m, राइट, जो क्या ले सकते हैं, और 1 mol/L, राइट। कंडक्टिविटी दैट मींस क्या होगी अपने पास में, कप्पा। क्लियर? तो कप्पा यहाँ पर अपने पास कितना है, 26×10⁻², ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा ध्यान रखना, इसको अपन सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में भी लिखा, जो अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में अपन ने लिखा। तो कंफ्यूज मत होना, सिमोन्स दैट मीन्स ओम इनवर्स या महो भी उसको अपन कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, राइट। वी नो दैट, लैम्डा इक्यू, लैम्डा इक्यू दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्लियर? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और ये 1000 का मीनिंग आपको मैं समझा चुका हूं, दैट मीन्स 1000 यूज्ड व्हेन कप्पा गिवन इन सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज क्लियर? When in normality, gram equivalent per liter convert into gram equivalent centimeter inverse, centimeter cube, right? तो लीटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं अपन, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपका जो कप्पा होता है वो किसमें गिवन होता है, सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये 1000 अपन वहां पे यूज करते हैं, और इसका वैसे भी मैंने आपको बाय वॉल्यूम भी यहाँ पे अपन ने एक्सप्लेन किया होगा। तो देखिए बेटा, यहां आपको क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, नॉर्मेलिटी। तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, दैट इज n इज इक्वल टू m इंटू x फैक्टर, n इज इक्वल टू m इंटू x फैक्टर। क्लियर? तो यहां पर क्या गिवन है अपने पास में, किसकी कंसंट्रेशन है, ये H2SO4 के लिए x फैक्टर क्या होगा, 2, बिकॉज इट गिव 2H+ आयन, इट गिव 2H+ आयन। तो यहां पर अपने पास में नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, m कितना गिवन है, 1 इंटू x फैक्टर कितना होगा आपका, 2 वहां से आया, H2SO4 में अपने पास में 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, राइट। एसिड और बेस के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एसिडिटी होती है, और बेस के लिए नंबर ऑफ OH एसिडिटी होती है। क्लियर? तो यहां पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी अपने पास में 2 है। क्लियर बेटा? अब यहां पे आप इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा किसमें अपने पास में 26×10⁻², गिवन है अपॉन 2×1000। क्लियर? तो अपने पास में इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 13 130, बी से 2 0 रिप्लेस हो जाएगी, ये आपका 13 से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 130। तो उसमें अपन यूनिट क्या यूज करेंगे बेटा, ग्राम, सॉरी
कप्पा की होती है अपने पास में लास्ट में सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये यूनिट क्यों आई है। लैम्डा इन क्यूब जो आंसर आया आपका 130 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखिए मैं आप लैम्डा इन क्यूब इक्वल टू अपन लिखेंगे कप्पा अपॉन सी, और सी किसमें गिवन है आपकी नॉर्मेलिटी में गिवन है, राइट। ध्यान समझना इसको, कप्पा यहाँ पे आपका किसमें गिवन है सीमोन सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर। नॉर्मेलिटी आपकी क्या है ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, क्लियर। इसको ऊपर ले जाओ आप, सीमोन सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स लीटर, राइट। अब आप जानते हो कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैं बता चुका आपको पहले। लीटर की जगह रख दो आप सीमोन सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, लीटर की जगह क्या रखेंगे अपन इनटू 10^-3 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आप इसमें लास्टली क्या जाएगा अपने पास में सीमोन, ये देखो प्लस में जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 10^3 जो है वो आगे लिख देंगे और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो अपने पास में देखिए बेटा ये निकल के आता है व्हेन लीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो 1000 अपन पहले यूज कर चुके, तो यहां पर जो आपकी फाइनल आएगी वो ये आएगी सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो अपना फाइनल आंसर होगा 130 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, क्लियर। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियरली समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।